अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में देखना है। तो पहले हम देखते हैं कि ये होता किस लिए है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये ऐसा इलेक्ट्रोड है जो कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को सेंस करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं उनमें से किसी के भी, जिन्हें हम कंबाइन करके रिडॉक्स कपल भी कह देते हैं। जिस तरह कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर नहीं होता, वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का जो पेयर होता है वो रिडॉक्स कपल बनाता है। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में से, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आई है या रिड्यूसिंग एजेंट की, तो उसे सेंस करने के लिए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है। और ये बेसिकली एक प्लैटिनम की वायर होती है, ठीक है। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो कि ज़्यादातर हाइड्रोजन का होता है, उसके साथ साल्ट ब्रिज के ज़रिए से देखिए मिला हुआ है, मिलेगा। और इस पर एनालाइट सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी होगा, और ये मिलकर जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा बनाएंगे। नेक्स्ट इसकी हमने टाइप्स देखनी है, तो गिलास इलेक्ट्रोड है और मेटल इलेक्ट्रोड है। गिलास इलेक्ट्रोड जो है पीएच मीटर में इस्तेमाल होता है, जाहिर सी बात है पीएच को मेजर करेगा, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें बताएगा। और पीएच खुद क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये मतलब इसकी डायग्राम देखें, थिन ग्लास मेम्ब्रेन से बना हुआ है, इसके अंदर NaCl भरा हुआ है, और जिस सॉल्यूशन में ये पड़ा है उसकी ये हाइड्रोजन आयन मेजर करेगा। पीएच कम आएगी तो यानी कि वो एसिडिक है। अब एसिडिक होगा तो हाइड्रोजन आयन मतलब सॉल्यूशन में ज़्यादा है, वो इसकी थिन ग्लास मेम्ब्रेन से इसके अंदर ज़्यादा जाएंगे, क्लोराइड आयन के साथ मिलकर वो HCl बना देंगे, सोडियम बाहर आता रहेगा, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन जो है कि पीएच मीटर में यूज़ होते हैं, और फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती हैं, जैसे कि ह्यूमन का है, उसमें ये यूज़ होता है। और मेटल इलेक्ट्रोड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस सैंपल की हम चेकिंग कर रही हैं, पीएच वगैरह हम या फिर कुछ भी चेक कर रही हैं, या फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया उसकी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की, तो वो उस मेटल से बना हुआ होगा वो इलेक्ट्रोड, ठीक है। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट के सैंपल की चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आप मेजर कर रही हैं उनके ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की, तो उस केस में ये सिल्वर से बना हुआ होगा। अब इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के अहम पॉइंट्स वही हैं जो मैंने आपको पहले बताया। अब इसका पोटेंशियल वेरिएबल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह इसका पोटेंशियल जो है ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि इसमें वेरिएबिलिटी होगी, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो कि हाइड्रोजन ज़्यादातर होता है उसके साथ साल्ट ब्रिज के जरिए से कनेक्ट होगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएगा। तो हमने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन देखी, उसके डायग्राम देखी, उसकी टाइप्स देखी, गिलास इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन देखी, मेटल इलेक्ट्रोड के बारे में देखा, और अहम पॉइंट्स इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के देखे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे चैनल पर हैं BSc, BS जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के लेक्चर, और मैट्रिक FSc के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लेक्चर। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बाकी फेलोज से शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।